जैसे भी की खुदाई चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सहारनपुर के लिए। तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं। तो आज के इस व्लॉग को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं पौर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक होटल पे मैं रुका हुआ हूँ। तो फाइनली अभी हमने 1/3 जो हमारी जर्नी का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, 1/4 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं सहारनपुर हनुमान जी के मंदिर पे आ चुका हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो अभी आरती का समय होने वाला है, तो अभी मैं आरती का मैं भाग लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँगा। तो व्लॉग को आखिर तक देखना। फाइनली अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, और अंदर का सीन जो है मंदिर वो ऐसा कुछ दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आरती के लिए। अभी आरती का टाइम हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। तो आरती होने के बाद मैं बाहर जाके पूरा कुछ एक्सप्लोर करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं आरती करके बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का रिनोवेशन हो रहा है। जैसे कि ये जो भोजनालय था वो उसको तोड़ के नया बनाया जा रहा है, पूरा रिनोवेशन किया जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जिसका यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है। अभी वहाँ पे जो पार्किंग था उसको भी तोड़ के अभी वहाँ पे कुछ नया कुछ बना रहे हैं, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जैसे ही आप मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलोगे तो उसके सामने एक ये है जो कि स्वामीनारायण भगवान की सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने रखा है, श्री हरि मंदिर करके। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी है जिसको आपको देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया अंदर से दिखता है ये। तो आप आओ यहाँ पे तो इसको ज़रूर विज़िट करना। और उसके सामने ही है ये पूरा तोड़ दिया है अभी और नया रिनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भोजनालय था वो। यहाँ पे मैं कुछ शूट कर रहा था तो मुझे 3 बंदे मिले। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये किस लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे चैनल का नाम भी पूछा और मुझे सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं अभी उनकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रसादी का काउंटर भी है। यहाँ से आप कुछ आपके जो प्रसादी आपको जो जैसी भी लेनी हो आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले एक पूरी बिल्डिंग थी रहने के लिए और यहाँ पे पार्किंग था, लेकिन इसको अभी तोड़ के यहाँ पे कुछ नया ये लोग बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पे रूम्स चीपर रेट में अवेलेबल होते हैं। आप अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे इजीली आप अपना रूम बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो देखो वहाँ पे जेसीबी की खुदाई चल रही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी शाम हो चुकी है, तो अभी मैं घर के लिए निकलने वाला हूँ। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी डिनर का टाइम हो चुका है, तो मुझे हमारा खाना आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अभी खाना खा लिया और बाकी के सारे लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ गाड़ी में और अभी हम थोड़ी सी जो पानी और वो डालना है वॉशर में वो डाल देते हैं, फिर घर के लिए निकलने वाले हैं।